मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मंत्रिमंडल बन चुका है। 28 मंत्रियों ने पहली बार शपथ ली है और 28 मंत्रियों को ही कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया है। आइए जानते हैं कमलनाथ के मंत्रिमंडल की क्या है विशेषताएं। कमलनाथ के मंत्रिमंडल की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मंत्रिमंडल में युवाओं को अच्छा स्थान मिला है। 28 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 9 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच है और यह फैसला युवा मतदाता और लोकसभा चुनाव को देखकर लिया गया है। जयवर्धन सबसे युवा मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह सबसे युवा मंत्री हैं। 32 साल की उम्र में उन्हें मंत्री बनाया गया है। 36 साल के सचिन यादव दूसरे युवा मंत्री हैं। उनके मंत्रिमंडल में मात्र 2 महिलाएं हैं, एक है इमरती देवी और दूसरी है डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो। विजयलक्ष्मी साधो पहले मंत्री रह चुकी हैं। 15 साल में पहली बार एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल हुआ है आरिफ अकील के रूप में, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। यह भी कहा गया है कि इसमें जातीय समीकरण भी सामने रखे गए हैं। पिछड़ा वर्ग के सबसे ज्यादा 8 मंत्री बने, हुकम सिंह कराड़ा, लाखन सिंह यादव, प्रदीप जायसवाल, कमलेश्वर पटेल, सुखदेव पांसे, हर्ष यादव, जीतू पटवारी और सचिन यादव। क्षत्रिय समाज के 7 मंत्री बने हैं, उनमें डॉक्टर गोविंद सिंह, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रियव्रत सिंह और जयवर्धन सिंह, और 2 अल्पसंख्यक विधायक भी हैं। आरिफ अकील इसमें शामिल किए गए हैं। ब्राह्मणों में जबलपुर के तरुण भनोत हैं और भोपाल से पीसी शर्मा हैं। इनमें उनके पिता, चाचा, बुआ, कई ऐसे लोग हैं जिनके की पहले मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री रह चुके हैं। ऐसे ही 7 विधायकों को कैबिनेट में स्थान दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ मंत्रिमंडल में 10 लोकसभा क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं मिला है। इनमें मुरैना, दमोह, सतना, शहडोल, खजुराहो, होशंगाबाद, उज्जैन, मंदसौर, खंडवा और झाबुआ संसदीय क्षेत्र की सीटों से जीतकर आए विधायकों को जगह नहीं मिल पाई है। छिंदवाड़ा से भी किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि कमलनाथ के कारण वहां से सभी 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गई।